सैंडविच बना दूं? थोड़ी सी मतलब कि आज हम बनाएंगे मिनी फूड, और वो भी बिल्कुल मिनी मिनी बर्तनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी मिनी मिनी सा किचन। एंड गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं ना गाइस। पर हम लोग आपको एक एक करके दिखाएंगे। और गाइस, सारी चीजों में हो सकता है कि कुछ में ना हो, पर ऑलमोस्ट सारी चीजों में कुछ ना कुछ तो है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सामने रखे तो ये दिखा देते हैं मसाले। सो गाइस, ये हमारी मसालेदानी छोटू सी। एंड गाइस, हमने कुछ भी इसमें से एक्स्ट्रा नहीं लिया है, और अभी हम लोग आपको बता देंगे हम खाना कैसे पकाएंगे बाद में। इसके अंदर एक मसाला और ये नमक मिर्ची, मतलब कि ये हमारी मसालेदानी है। ओके गाइस, इसमें पानी। यस गाइस, तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसमें पानी से गाइस देख सकते कितना क्यूट सा लोटा है जिसके अंदर है पानी। और इसके अंदर दिखा दीदी, के डिब्बे में आपने देखी होगी दाल चावल हमारे में नूडल्स। और इस डिब्बे के अंदर काले खाली है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? इसके अंदर है आटा, क्योंकि हो सकता है मिनी मिनी से रोटियां भी बनाए, तो इसके लिए हमने रखा है छोटू सा आटा। तो अभी पहले इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट चीजें। एंड गाइस, नेक्स्ट में है कुछ भी नहीं, खाली पदार्थ। एंड गाइस, इस कुकर में है लास्ट थिंग जो कि है घी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर घी है। एंड गाइस, मतलब कि अगर आप रियल में यहाँ पे होते ना, मैं आपको इसकी स्मेल सुंगा सकती थी, इतनी अच्छी स्मेल कर रही है। मुझे सुंगाना, ये देखो गाइस, इधर इधर गाइस, मैं मान लूंगी कि आपने सुंग लिया है। तो इसके अंदर घी, क्योंकि हम कुकर के अंदर कुछ बना तो सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का भी, इसलिए अगर स्टील होती तो बना लेते हैं, या फिर और पकेगा भी नहीं वैसे भी, तो कोई बात नहीं, अगर हो सका तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और गैस, आप लोग बोलोगे भाई चूल्हा गैस कहाँ है? तो अभी गैस तो है, पर अब भाई प्लास्टिक के गैस पे खाना कैसे बनेगा? आप लोग तो यही बोलोगे, क्योंकि तो प्लास्टिक का है ना, क्योंकि सेट में प्लास्टिक का आया था भाई, रियल का कोई आएगा? तो हमने ना दिमाग लगाया, पहले हम ये वाला हमारे यहाँ पे रख देते हैं, ये रहा हमारे। और गैस देख सकते हो भाई, सिलेंडर भी आया साथ में, ब्लू ब्लू भारत गैस। तो आप लोग ही देख सकते हैं, मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, घियागस घियागस। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना क्यूट सा है। पर गाइस, इसका ना मतलब कि ना कुछ काम वाम सा नहीं है, क्योंकि हम तो इसका क्या काम होगा, ये मतलब कि शोपीस टाइप है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग टाइप का निकला हो जाता है। तो हमने सोचा थोड़ा सा स्लैब भी है, हाँ, तो हमने सोचा कि हम इसका चूल्हा बना लेते हैं। अब भाई चूल्हा कैसे, देखो हमने यहाँ पे ना मिट्टी लगा ली है। अब देखो हमारा प्लान सुनो, ठीक है, यहाँ पे हम कैंडल जलाएंगे, कैंडल के ऊपर हम ऐसे ये रखेंगे, कैंडल की आंच से ऊपर जाएगा तो खाना बन जाएगा, क्योंकि हमने ट्राई भी कर रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी मिनी मिनी सी, ये मिनी मिनी सी क्या मतलब कि माचिस है। तो चलिए हम यहाँ पे कैंडल को जला लेते हैं। मुझे माचिस से बहुत डर लगता है। गैस गैस है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे माचिस चल रही, वो देखो कहाँ पे पहुँच गया। चलिए अब हम डालेंगे पानी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डल रहा है पानी काली साइड। गाइस, क्योंकि काली ने मुझसे बोला दीदी आप पराठ भर के खाने बनाना, और इतनी सी कैंडल पे गाइस बन सकता। एंड अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, और फिर हम अपना सूप, नहीं हाँ हाँ, पहले हम सूप पकाएंगे। इसमें क्या है? इसके अंदर है ट्रांसपेरेंट मसाला, तो पहले हम डालेंगे ट्रांसपेरेंट। इसको आप गैस 10 चम्मच डालिएगा। अब हम डालेंगे मिर्ची, क्योंकि गैस मिर्ची तो बड़ा मजा आ जाएगा, और गैस खाली का असर भी। सो गैस, इसका सूप बन चुका है, अभी हम इसको पकने देंगे ना, तो अच्छे से रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं जिसके अच्छे से बन जाए पराठ बन के। ओके गैस, देख सकते हो। एंड नाउ
इसको 10-5 मिनट पकने देते हैं, तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। और गाइस अभी हम इसके अंदर डालेंगे हमारे नूडल्स। ओ नो गाइस, मुझे तो तड़का लगाना था इसके, मैं गीले क्या आई थी। कोई बात नहीं, देखते हैं कितने नूडल्स आ पाएंगे। जीते समय हम इतने डाल देंगे, अभी और डालते थोड़े, ये जीते मेरे से तो ही ना बचेगा। इतने बहुत हैं। एंड नाउ अभी गाइस मुझे लगता है कैंडल भी चेंज करनी पड़ेगी, तो अभी मैं आपको जब ये थोड़ा पकने की कगार पे होगा तब मैं आपसे मिलूंगी। सो गाइस ऐसा कुछ भी खाबड़ा बच चुका है, क्योंकि अब गाइस ये ना थर्ड कैंडल लगाई थी मैंने नीचे छोटी सी, एंड हमारी मैगी 2.5 मैगी बोल रही सॉरी घी क्या है नूडल्स नूडल्स ये 2.5 कैंडल में उबल चुकी, तो चलिए मैगी उबल इसको अभी सर्व करेंगे। सो गाइस हमारे नूडल्स मैंने प्लेट के ना सर्व कर दिए, पूरे के पूरे पक चुके हैं। एंड गाइस लेकिन ना अभी हम नहीं खाएंगे, पहले हम ट्राई करेंगे रोटी बनाने का कि पक पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। सो गाइस अभी ले लिया हमने चकला बेलन, एंड काले ने ले दिया मुझे आटा, तो काले लाओ दे दो। गाइस हम ना बिल्कुल पतली पतली सी बनाएंगे जिससे कि वो अच्छे से पक भी पाए। गाइस रोटी में आगे ना दिखा दो घी। ओके गाइस मेरा हमारा आटा, अभी हम इसकी रोटी बना के रेडी करते हैं पहले। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप कर दिया, अब हम लेंगे यहाँ पे ये घी एंड अच्छे से डालेंगे भी जिसकी मसालेदार रोटी बन जाए। मसालेदार रोटी गाइस कभी सुना है? ओ गाइस मैं ना चैनल भी आ गया, कहना मैं कालेदा गेमर। आई थिंक मैंने आपको और वीडियोज में बताया भी होगा कभी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कैसे कैसे बबलिंग 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 कर रहा है। यस गाइस गाइस कितनी मस्त देखी खुशबू आ रही है। गाइस देख सकते हो हम गाइस एक काम करते हैं, मसालेदार रोटी बन जाएगी हमारी। ये तो बोल रहा था गाइस में कि मसालेदार हमारी रोटी बनने वाली है, इसलिए तो मैंने बोला। सो गाइस रोटी थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। डाल 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 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो रहा है। क्या क्या गाइस गाइस थोड़ा सा गर्म पीना बस। क्या गाइस पराठा बन गया लेके खा ले दो। गाइस अब हम एक और देखते हैं। गाइस ये तो ना मैंने इतना पतला बनाया, आपको आई थिंक पूरी लगने वाली है ये। क्योंकि भाई खत्म तो हो ही चुका है। एंड गाइस भाई इतना घी हमने इसके ना डाला है ना, गाइस लगने में तो बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है। अब देखते हैं पक पाता है कि नहीं, क्योंकि हमारी लास्ट कैंडल थी है। नहीं पकेगा तो हम कच्चा ही खा लेंगे। कच्चा ही खा लोगे आप? यस मैं तो कच्ची की दाल भी खा देता हूँ। गाइस इसको ना हम बाद में पका लेंगे, अभी हम भाई पहले खाते हैं मतलब शाही खाना और देखते हैं रिव्यू। मैं मिनी चम्मच। गाइस पहले ना आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। गुड गाइस सच में अब मानो या ना मानो पर मानना ही पड़ेगा। गाइस इतनी इतनी अम्मी देखो इतनी गर्मी लग रही है, बिना फैन चलाए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाइस रेसिपी आप मेरी ट्राई कर सकते हो। गाइस मैं भी नूडल्स ट्राई करती हूँ। गाइस मिर्ची बहुत तगड़ी पर मजा आ गया। सो गाइस यहां पे काले भी खा रहे नूडल्स। तो गाइस ये वीडियो देखिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस देखो खाते खाते बोल भी पा रहा हूं बेचारा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Instagram पे फॉलो कीजिए। तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।